Hey everyone, Enchowler, awesome na? Always be awesome. So I am back with a new episode of Super Character. But the Super Character को reveal करने के पहले ना, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो character है ना, बहुत मशहूर मतलब best मतलब awesome series से Game of Thrones. अभी आप लोग बोलोगे अरे यार ये जो series है ना बहुत overrated है. GOT में यार मतलब बहुत हाइप है, बहुत बड़ा है, इसको देखना है क्या नहीं देखना है समझता नहीं यार, बहुत बड़ा है, बहुत ओवररेटेड है. देखो गेम ऑफ थ्रोन्स को देखना है या नहीं देखना है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बोलूँ, वो ओवररेटेड है क्या नहीं वो वीडियो के अंदर बोलूँ, मजा आएगा कि नहीं देख वो भी वीडियो के अंदर बोलूँ. बट अभी तो हमें सुपर कैरेक्टर पर ध्यान देना. और आज का सुपर कैरेक्टर कौन है? मतलब मेरा प्यारा यार, मेरे दिल के बहुत करीब है यार, जॉन स्नो. सुपर कैरेक्टर तो जानना है ना जॉन स्नो मेरे दिल में क्यों, करोड़ों को क्यों इंस्पायर करता है और आपको कैसे इंस्पायर कर सकता है? बिकॉज़ जॉन स्नो कीप्स फाइटिंग, मतलब पूरे टाइम वो झगड़ता रहता है. अभी इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको गाली वाली देगा, रूड रहेगा, राड़ा करेगा राड़ा, ऐसे नहीं है वो. वो जो सच है ना, जो सही है ना, उसके लिए झगड़ते. समझो किसको हेल्प चाहिए, जो कमजोर है लोग उसको डरा धमका रहे तो उसके लिए वो खड़े रहेगा, उसके लिए झगड़ेगा कि उसको फेलियर का डर नहीं है, हार जीत से उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको बस चाहिएगा जिसको जरूरत है, जो गलत है उसके सामने वो खड़े रहे, जो सच है जो सही है उसके लिए वो झगड़े. और ही इज हिज ओन स्ट्रेंथ, मतलब हम सब बोलते हैं ना यार मैं अकेला मुझ नहीं होता यार, मुझे 100-200 क्या बोल रहा हूँ 10-20 लोग तो चाहिए मुझे सपोर्ट करने को, उसका ऐसा नहीं है. वो अकेले अपने आप के लिए खड़ा रहता अपने दम पे. तो एक सीन भी था जिसमें उसकी आर्मी ना सब गिर गए, धमार हो गए, बट जो सामने वाले एनिमी था ना वो फुल स्ट्रॉन्ग है, वो उसको अटैक करने आ रहा है और वो अकेले खड़े होता है अपने लिए, अपने हार नहीं मानता, अकेले खड़े रहता है, बोला आना आ जाओ सबको मैं अकेले मारूंगा, कि वो खुद का स्ट्रेंथ है. सो कोई आजू बाजू में नहीं कि अकेले अपने लिए खड़ा हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सुपर कैरेक्टर जॉन स्नो इज मोरली ड्रिवन, इसका मतलब ये है जैसे हमें बचपन में सिखाते हैं ना, सच बोला करो, लोगों को समझा करो, लोगों से अच्छे से बात करा करो, उन लोगों को अच्छे से ट्रीट करा करो, ये हम बड़े होते होते भूल जाते हैं. बट जॉन स्नो को जो सिखाया है ना बचपन में उसको भूला नहीं, मतलब ना लोगों को अच्छे से ट्रीट करता है, उन लोगों को सच बोलता है, उन लोगों से ऑनेस्ट रहता है, उनको समझता है अच्छे से, उनको ऑब्जर्व करके चीज़ें भी सीखता है, उनकी फीलिंग्स भी समझता है और उनको साथ वो अच्छे से रहता है, और इसके वजह से लोग उनको ट्रस्ट करते हैं कि सबके साथ वो ऑनेस्ट है, सबके साथ वो अच्छे से बिहेव कर रहा है. जो बेसिक्स है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो हमें अभी जरा बिगड़ से रहे तो उसको स्ट्रॉन्ग कर दो वापस. और एक उनका बहुत प्यारा सा लाइन है, डायलॉग जो बोलते हैं कि व्हेन पीपल स्टार्ट मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस वर्ड्स डोंट मीन एनीथिंग. मतलब वो बोलते क्या, जो आप बोलते हो आप करा करो, ऐसा नहीं कि हम जैसे बोलते हैं हाँ ये हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, फिर हम करते ही नहीं. तो उससे क्या होता है, लोग हमें ट्रस्ट करना कम कर देते, वो हमें वैल्यू करना कम कर देते. ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमें सिखा रहा है कौन, जॉन स्नो का, जो बोल रहे वो करो, अपना ट्रस्ट टूटने मत दो, अपना वैल्यू गिरने मत दो. सुपर कैरेक्टर जॉन स्नो इज ब्रेव, ब्रेव मैंने इतना जोर ये ब्रेव वर्ड में इसलिए डाला कि जो जॉन स्नो है उसका जो नाम है जॉन स्नो, ये जरा स्पॉइलर है पर सुन लो, जो स्नो है ना उसका मतलब ये होता है कि वो बास्टर्ड है, वो एक बास्टर्ड है. अभी आप लोग बोल रहे हो कि तूने इतना गंदा वर्ड कैसे बोल दिया, एक गाली है गाली. आप लोगों को मालूम ही होगा बास्टर्ड का मतलब ये होता है एक अनमेरिड कपल का बच्चा. बट ये जॉन स्नो बचपन से अपने नाम के साथ वो टैग लेके चल रहा था बास्टर्ड का, उसको मालूम नहीं थी उसकी मम्मी कौन है, वो ऐसे माहौल में रहता था पर सब उसको बोलते थे तू कौन है रे, तू क्या है, तेरा क्या वैल्यू है, तू एक बास्टर्ड है, बास्टर्ड तू गंदगी है, लोग उसको ये बोलते थे. पर उसको उससे फर्क नहीं पड़ा, जरा बुरा लगता था स्टार्टिंग में पर फिर वो सब कुछ भूल गया और आगे बढ़ गया अपने लाइफ में. अगर आप सीरीज भी देखोगे ना GOT गेम ऑफ थ्रोन्स, आपको समझेगा कि आगे जाके कितना बड़ा बना. कि हम सब बिना लाइफ में यही बोलते हैं, यही रीजन रहते हैं अपने आप को कि हमें प्रिविलेज नहीं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास चीज़ें नहीं जिससे मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, जो सोसाइटी है मोटिवेट नहीं करती, गिराती, ये सब बोलते हो. बट आपको करना है ना तो आप करोगे ही. अभी ये सुन के हाँ हाँ मत बोलो यार, ये जो आज प्रॉब्लम्स है ना आपके लाइफ में आज,
वो कल नहीं रहेंगे बट आप कल जरूर रहोगे, और तभी आप सोचोगे यार चालू कर देना चाहिए। तो करो यार चालू, जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो आजू बाजू की नेगेटिविटी है, ये कल नहीं रहेगी बट आप कल जरूर रहोगे, तो करो आज से चालू। यार हमारा जॉन स्नो में यही बोलता है कि जो बैरियर्स रहता है ना हमारे बचपन से, आजू बाजू लोगों से, उसको तोड़ो, उसको फेंको और बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ, कम ऑन, गो फॉर इट। और गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की बात हो रही थी ना, देखो, ओवर रेटेड, अरे वो कुछ ज्यादा ही रेट देना चाहिए उसको, हाइप, उसको बहुत हाइप करना चाहिए, और वो कितना भी बढ़ा रहे, वो क्रेजी है, वो ऑसम है, वो देखो आप लोग, बहुत कुछ सीखने मिलता है, धीरे धीरे देखो बट देखो मजा आएगा। और अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हो ना यार, आपको जॉन स्नो और बहुत सारे कैरेक्टर्स पसंद है ना, तो लाइक करो ये वीडियो, और आपको दमदार लगा ये वीडियो, मैं भी, मेरी भी सांस हो गई है, पर आपको ये वीडियो दमदार लगा ना, आपको जॉन स्नो दमदार लगा ना, तो करो ये वीडियो शेयर। अगर आपको और कैरेक्टर्स पे चाहिए वीडियो, जीओटी के गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर्स पे चाहिए वीडियो, तो कमेंट करो, खुला है कमेंट बॉक्स, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और गेम ऑफ थ्रोन्स जरूर देख। बट टिल देन All the best and be awesome. Super character. And Jon Snow knows everything. Super character.